हम बात करने जा रहे हैं उस चीज के बारे में जो कुछ लोगों के लिए समाधान और कुछ लोगों के लिए काफी चिंता का विषय बन चुका है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस का इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि इस ग्लोबल पैंडेमिक के कारण स्कूल्स और कॉलेजेस दोनों भी बंद है, इसलिए स्टडीज को कवर करने के लिए शुरू किए गए थे ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस को एक पैसा कमाने का जरिया सोच बैठे हैं। ये लोग पेरेंट्स से फी की डिमांड कर रहे हैं, जब फी टाइम पे नहीं किया जा रहा तो ये लोग इनके बच्चों को क्लासेस में अलाउ नहीं कर रहे। फिलहाल ये बहुत ही गलत चीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि अगर तुम इस वक्त फीस नहीं पे कर रहे तो तुम्हें क्लासेस में अलाउ नहीं किया जाएगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है उन स्कूल्स और कॉलेज वालों से कि तुम हमसे पूरी पूरी फीस क्यों डिमांड कर रहे हो। पूछने पर ये बताते हैं कि इन्हें टीचर्स की सैलरी पे करनी होती है। हाँ, ये चीज समझ सकते हैं कि टीचर्स को भी फाइनेंस की जरूरत है, उन्हें भी सैलरी पे करनी होती है, लेकिन तुम हमें एक मिडिल ग्राउंड दे सकते हो जहां हम तुम्हें कम अमाउंट ऑफ फी पे करें। तुम हमसे पूरी पूरी फीस किस चीज की ले रहे हो? जब हम इन्हें टाइम पर फीस नहीं देते तो हमें थ्रेटन करते हैं कि हमारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इस प्रेजेंट सिचुएशन में किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है, कोई भी गुड फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक मिडिल क्लास आदमी का, उसके घर में थोड़ा सा अमाउंट आता है, वो इस थोड़े से अमाउंट से घर चलाता है, और वो थोड़े से अमाउंट से क्या क्या करेगा, पूरी स्कूल की फीस भी भरेगा, घर भी चलाएगा। ये उसके लिए काफी डिफिकल्ट साबित हो रहा है। देखा जाए तो इंडिया में काफी ज्यादा पॉवर्टी है, पॉवर्टी एक मेजर ड्रॉबैक है हमारे देश में। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? पहला स्मार्टफोन, दूसरा एक अच्छा इंटरनेट एक्सेस की। जिनकी अर्निंग इतनी कम होती है उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है ये सब अफोर्ड करना, जैसे कि फार्मर्स और डेली वेज वर्कर्स। जिनकी अर्निंग से घर भी काफी मुश्किल से चल रहा हो उन्हें इस चीज का काफी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। रिसेंटली केरला में भी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके पास एक स्मार्टफोन नहीं था ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो देखा जाए तो ये चीज उन लोगों के ऊपर काफी प्रेशर डालती है जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स उनके टीचर्स को इतना ह्यूमिलिएट करते हैं कि बस क्या ही बताएं। जाहिर सी बात है, जो टीचर कभी कैमरा फेस नहीं किया है वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो उनसे गलतियां होती है, वो घबरा जाते हैं, लेकिन उन गलतियों का स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें काफी एम्बेरस फील करवाते हैं। रिसेंटली कई सारे वीडियो वायरल हुए जिनमें ये बताया गया था कि किस तरह से स्टूडेंट्स उनके टीचर्स की बेइज्जती कर रहे थे। उनमें से एक वीडियो था ये सर का, इस सर के भी स्टूडेंट्स ने काफी बेइज्जती की, उन्हें काफी ह्यूमिलिएट फील करवाया। देखो जरा सोचिए, जो इंसान एज्ड है वो कैमरे के सामने आता है तुम्हें पढ़ाने के लिए, जिसने कभी कैमरा फेस नहीं किया, तुम इस तरह उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाते हो, इस तरह उन्हें एम्बेरेस फील करवाते हो। ये बहुत ही बुरी चीज है। अगर मानो किसी दिन तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा हो, क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे? सुनने में ही इतना गुस्सा आता है, तो जिसपे बीती है उनके बारे में सोचिए। बात करते हैं स्क्रीन टाइमिंग को लेकर। छोटे बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें आगे जाकर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आईसाइट और हेडेक्स। ये दिन भर फोन में घुसे रहते हैं और ये कुछ दूसरा कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनका आधे से ज्यादा वक्त ऑनलाइन क्लासेस में ही निकल जाता है। एक बात समझ में आती है नहीं कि जो बच्चे क्लास में कुछ समझ नहीं पाते वो ऑनलाइन क्लासेस में क्या सुनेंगे घंटा। और फिलहाल HRD मिनिस्ट्री ने नए गाइडलाइंस निकाले स्क्रीन टाइमिंग को लेकर कि फर्स्ट से 8th क्लास के बच्चों के लिए 2 सेशंस 45 मिनट्स ईच, और 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए 4 सेशंस 30 से 45 मिनट्स ईच। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ऑनलाइन क्लासेस पूरी की पूरी खराब है। ऑनलाइन क्लासेस में जो ये सब गंदी गंदी हरकतें हो रही है ये सब जितनी जल्दी बंद हो उतना अच्छा है। और जिन लोगों को ये फैसिलिटी मिली है इंटरनेट एक्सेस की, फोन की, ये लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग कैमरा और माइक बंद कर साइड में बकचोदी कर रहे होते हैं। देखो तुम्हें जो ये फैसिलिटी मिली है उसके लिए पीछे लोग काफी तड़प रहे हैं, तो ये सब बंद कर दो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। अभी फिलहाल डिसीजन आया है कि JEE और नीट की एग्जाम होने वाली है। JEE में 10 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो ये काफी रिस्की है, तो हमें अपने अपने प्रिकॉशंस लेने होंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।